हेलो व्यूअर्स, डेली टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सहजन के गजब के फायदे, यानी कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ड्रमस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, सहजन के बारे में तो हम सभी जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है मोरिंगा ओलिफेरा। जी हाँ, सहजन की फली की सब्जी लगभग हर घर में बनती है और खाने में तो इसका स्वाद सबको खूब भाता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस फली के भी कई सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं? जी हाँ, इनमें प्रोटीन, एमिनो एसिड, बीटा कैरोटीन आदि तत्व होते हैं। जी हाँ, सहजन की फली हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे दोस्तों, सहजन को सहजना, सूजना, सेंजन और मुंगा नाम से भी जाना जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, याद रखिए, सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना ज्यादा कैल्शियम और साथ ही प्रोटीन पाया जाता है। तो आइए जानते हैं सहजन से होने वाले स्वास्थ्य लाभ क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। दोस्तों, सहजन से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को सहजन की सब्जी खाने से और साथ ही सहजन की पत्तियों का रस निकालकर काढ़ा बनाकर देने से काफ़ी लाभ मिलता है। साथ ही इसका काढ़ा पीने से घबराहट, चक्कर आना, उल्टी आना जैसे प्रॉब्लम्स में भी राहत मिलती है। इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो ऐसे में आप इसकी सब्जी बनाकर ज़रूर खाइए। कैल्शियम का स्रोत है सहजन। जी हाँ दोस्तों, सहजन की फली में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ, इससे हमारी हड्डियाँ और साथ ही दांत दोनों ही मजबूत बनते हैं। साथ ही इसे गर्भवती महिलाओं को देने से उनके होने वाले बच्चे में कैल्शियम की मात्रा भरपूर मिलती है और होने वाला शिशु तंदुरुस्त यानी कि हेल्दी एंड फिट होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बढ़ते हुए बच्चों में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए ड्रमस्टिक्स फली को सब्जी के रूप में देना चाहिए, इससे उन्हें बहुत फायदा होता है। दोस्तों, सहजन से मोटापा कम करें। जी हाँ, मोटापा और शरीर की बढ़ी हुई चर्बी को दूर करने के लिए सहजन को एक लाभदायक औषधि माना गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है जो कि हमारे शरीर की आंतरिक कैलोरी को कम करती है और साथ ही वसा को भी कम कर मोटापा कम करने में फायदेमंद होती हैं। इसीलिए बॉडी के वेट को मेंटेन में रखने के लिए आप सहजन की सब्जी ज़रूर खाएं। दोस्तों, सहजन से सिरदर्द को करें दूर। जी हाँ, सहजन को सब्जी के रूप में खाने से सिरदर्द में काफ़ी राहत मिलती है। साथ ही सहजन के सेवन से खून साफ होता है और आँखों की रोशनी भी तेज़ हो जाती है। दोस्तों, विटामिन ए से भरपूर ड्रमस्टिक्स के सेवन से हमारे त्वचा में रंगत आती है और साथ ही इसके बीजों के तेल को त्वचा पर लगाने से काफ़ी फायदा होता है। जी हाँ, यानी कि इससे हमारे चेहरे के मुहासों की समस्या दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसीलिए अगर आपको मुहासों की प्रॉब्लम हो तो ऐसे में आप सहजन के बीजों का तेल त्वचा पर ज़रूर लगाइए। साथ ही फ्रेंड्स, इसे खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, यानी कि आपके फेस पर झुर्रियाँ या फिर रिंकल्स नहीं आएंगी। इसीलिए आप भी ड्रमस्टिक्स की सब्जी ज़रूर खाइए। दोस्तों, सहजन में विटामिन सी की मात्रा बहुत होती है। जी हाँ, विटामिन सी शरीर के कई रोगों से रहता है, खासतौर पर सर्दी जुकाम से। जी हाँ, अगर सर्दी की वजह से नाक बंद हो चुकी हो तो आप सहजन को पानी में उबालकर उस पानी का भाप लीजिए, इससे जकड़न कम होगी और साथ ही आप सहजन की सब्जी भी ज़रूर खाइए, इससे आपकी बंद हुई नाक भी खुल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी ड्रमस्टिक्स वेजिटेबल बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए अगर आपको बदहजमी, कब्ज, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो तो आप सहजन की सब्जी बनाकर खाएं, आपको बहुत फायदा होगा। सहजन की सब्जी खाने से पुराने गाठिया और साथ ही जोड़ों के दर्द और वात रोगों को कम करने में फायदा होता है, इसीलिए आप भी सहजन की सब्जी ज़रूर खाइए। दोस्तों, सहजन का सूप बनाकर पीने से शरीर का रक्त यानी कि ब्लड साफ होता है। जी हाँ, फेस पर पिंपल जैसी समस्याएं तभी सही होंगी जब खून अंदर से साफ होगा और आपका फेस क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप सहजन का सूप ज़रूर पिएं। साथ ही खून साफ होने की वजह से आपके चेहरे पर भी निखार यानी कि ग्लो आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड, सहजन में विटामिन सी का स्तर उच्च होता है जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर कई सारी बीमारियों से आपकी रक्षा करती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हो और हर तरह की बीमारियों को दूर रखना चाहते हो तो
तो ऐसे में आप सहजन से दूरी ना बनाएं, बल्कि आप सहजन की सब्जी बनाकर जरूर खाइए। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन महिलाओं और साथ ही शिशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ, गर्भावस्था में इसका सेवन करते रहने से शिशु के जन्म के समय आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। यानी कि सहजन की फली का सेवन करने से प्रेग्नेंट महिलाओं को डिलीवरी के वक्त ज़्यादा दर्द नहीं होता है। जी हाँ, महिलाओं के लिए सहजन का सेवन बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि फ्रेंड्स ये महावारी यानी कि पीरियड से संबंधी परेशानियों को दूर करने के अलावा भी गर्भाशय की समस्याओं से भी बचाए रखता है और साथ ही आपकी सेहत को बेहतर बनाता है। इसीलिए आप भी सहजन की सब्जी ज़रूर खाइए। दोस्तों, सहजन का सेवन सेक्स पावर बढ़ाने में मदद करता है। जी हाँ, इस मामले में ये महिलाओं और साथ ही पुरुषों दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, पुरुषों में ये शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में यानी कि स्पर्म क्वालिटी बेहतर करने में मददगार है। साथ ही दोस्तों, महिलाओं की पीरियड संबंधी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद है सहजन की सब्जी। इसीलिए आप सहजन की सब्जी बनाकर ज़रूर खाइए। और हाँ दोस्तों, बवासीर यानी कि पाइल्स जैसी समस्याओं का इलाज भी सहजन के पास है। इसलिए फ्रेंड्स, इसका लगातार सेवन करते रहने से बवासीर और कब्जियत की समस्या नहीं होती है। इसीलिए सहजन की सब्जी बनाकर ज़रूर खाइए। दोस्तों, अस्थमा की शिकायत होने पर भी सहजन का सूप पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ, सर्दी खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल घरेलू औषधि के रूप में किया जाता है, जो कि अस्थमा के रोकथाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसलिए अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो ऐसे में आप सहजन का सूप बनाकर पिएं, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए भी सहजन की सब्जी का सेवन करना बहुत बेनिफिशियल होगा। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को हमेशा इसकी सब्जी बनाकर खाते रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी हेल्थ हमेशा हेल्दी रहेगी। इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ प्रॉब्लम हो तो ऐसे में आप इसकी सब्जी बनाकर ज़रूर खाइए। If you like this video, give a thumbs up, comment us in the comment box and make sure to subscribe to Daily Health Tips. Friends, I will be back again with more new interesting topics. Till then, take care, enjoy and keep watching our upcoming videos. Thanks for watching. Bye.